शिल्पा शेट्टी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। शिल्पा शेट्टी ने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में शूटिंग की है। वह रियलिटी शो बिग ब्रदर्स की भी विजेता रह चुकी हैं। फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स की सह मालकिन भी हैं। शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। शिल्पा शेट्टी की माँ का नाम सुनंदा था और उनके पिता का नाम सुरेंद्र शेट्टी था। शिल्पा शेट्टी ने मुंबई के चेंबूर के एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी की और फिर पोद्दार कॉलेज में पढ़ाई की। शिल्पा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि डांस और खेल में भी अव्वल थी। शिल्पा शेट्टी अपने स्कूली दिनों में बहुत से डांस और प्रोग्राम में भाग लेती थी। वह अपने स्कूल की टीम फुटबॉल में भी कैप्टन रह चुकी हैं। शिल्पा शेट्टी की शादी एक बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ हुई थी। उनका एक बेटा भी है वियान कुंद्रा। शिल्पा ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर सहायक अभिनेत्री फिल्म बाजीगर से की थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में काजोल और शाहरुख खान नजर आए थे। फिल्म में वह काजोल की बहन की भूमिका में नजर आई थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जैसे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, बाजीगर, धड़कन, गर्व, इंसाफ, इंडियन, कर्ज, रिश्ते, हथियार, चोर मचाए शोर। इतने फिल्मों में काम करने के बाद भी आज भी शिल्पा शेट्टी अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और यंग समझती हैं। 1994 में आई फिल्म आग में शिल्पा को पहली मुख्य भूमिका मिली। शिल्पा अभी तक हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में करीब 40 फिल्में बना चुकी हैं। शिल्पा शेट्टी को ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और वो ज़्यादातर इनकम सोशल मीडिया के जरिए से भी करती हैं। शिल्पा शेट्टी के इंस्टाग्राम के कुल फॉलोअर 23 मिलियन हैं। शिल्पा शेट्टी को ड्राइविंग करने से बहुत ही डर लगता है, इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक ड्राइवर रखती हैं। इंडिया में बिकने वाली ओके मैगजीन पे पहले इशू के कवर पेज पर शिल्पा की तस्वीर थी, जब शिल्पा शेट्टी अपने समय में बहुत ही पॉपुलर थी। शिल्पा शेट्टी बहुत ही स्वाभाविक हैं। वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आश्रम में दान करती हैं और वो अपने खास शौक को भी पूरा करती हैं। उनके पास कई महंगे कारें और कई महंगे घर भी हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।